हे रे अपरम पार तेरी माया, तू तो के कर दे एक क्षण में। हे रे मन की सोची बनती कोन्या, जो मानस के मन में। मन की सोची बनती कोन्या, जो मानस के मन में। हे रे अपरम पार तेरी माया रे, अपरम पार तेरी माया, तू के कर दे एक क्षण में। वो मन की सोची बनती कोन्या, जो मानस के मन में। जो मानस के मन में। पहले लाइनों में रावण के बारे में बताया कि उस रावण ने अपने मन में क्या क्या सोची थी, उसकी क्या क्या इच्छा अधूरी रह गई, क्या बताया।
सौंप दूंगा, राज तिलक कर दूंगा अपने बेटे राम का कल। लेकिन इच्छा मन में ही रह गई, इच्छा पूरी नहीं हो पाई। किस तरह से क्या हुआ क्या बताया। हेरे मन में सोची थी दशरथ ने, मन में सोची थी दशरथ ने, सब पंडित लोग बुलाए राम को दे तू राज तिलक, और कर लियो मन के चाहे। काटने राम वनों को ध्याए, फिर नीचे कदम नीचे रह गया, नीचे कदम नीचे रह गया, और ऊपर चढ़िया गगन में। मन की सोची मन की कोना जो मान से मन में, मन की सोची मन की कोना सोचता है उसे तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई नहीं भरोसा। आज हम यहाँ पे हैं, शाम को इस दुनिया में रहे या ना रहे, तो इसीलिए एक पल में वो बात कर लेनी चाहिए जो इंसान सोचता है। और ये भी कहा एक कलाकार को कि कलाकार को मंच के ऊपर खड़ा होकर वो ही गाना गाना चाहिए जिसको माँ बेटी और बाप बेटा सभा में बैठ के सुन सके। किस तरह से क्या लिखा अंतिम लाइनों में, कर ले एक पल ना लानी चाहिए, काल करे सोईब कर ले एक पल ना लानी चाहिए। हेरे पूरी बात की चर्चा मुहते कदे ना ठानी चाहिए, बाप सुनो चाहे बेटा सुनो ऐसी रागड़ी गानी चाहिए, बाप सुनो चाहे बेटा सुनो ऐसी रागड़ी गानी चाहिए। हेरे लक्ष्मी चंद कहे अब तो संभलो, लक्ष्मी चंद कहे अब तो संभलो,